कृषि कानूनों पर अब ये आंदोलनकारी किसानों के विरोध का पार्ट टू है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के बताए रास्ते को भी नामंजूर कर दिया है। 26 जनवरी को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर से तिरंगा रैली निकालने के इरादे से पहले लोहड़ी का ये मौका ट्रेलर दिखाने का है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 50 दिन से जमे किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या इस बार का लोहड़ी थोड़ा अलग होगा? पहले तो परिवार के साथ मनाते, इस बार कैसे बनेगा? अब जो है हम लोहड़ी जो है इन्हीं बॉर्डरों पर पूरे किसान परिवार के साथ मनाएंगे। पहले इंडिविजुअल मनाते थे, आज हम इकट्ठे मनाएंगे। पहले परिवार होता था, यहाँ किसान परिवार है, महिलाएं हैं, हर कोई मिल करके लगातार लोहड़ी की तैयारी चल रही है। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि आखिरकार आज की लोहड़ी कैसे अलग है और लोहड़ी से। आज की हमारी लोहड़ी किसान के साथ, किसान के बिना लोहड़ी कैसी। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये हमारा, पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, ओनम करते हैं, और आज हम अपने नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आने वाला हमारा 26 रिपब्लिक डे जो है वो भी नेशनल फेस्टिवल है, हमारी लोहड़ी भी नेशनल फेस्टिवल हो गई। तैयारी है लोहड़ी को इस बार कुछ और भी तरीके से आप मनाएंगे, किसान बिलों को जला? बिल्कुल मनाएंगे। देखा, हमने तो कभी लोहड़ी मनाई ना, पर अब क्या हमें मौका मिलेगा तो ये छोड़ने के ना। जितने भी ये बिल हैं इनकी जो कॉपी लिखाड़ के जड हो रहा घड़ो और उन्हें जला के और तापेंगे। हमारे बुजुर्ग का पता कोई दिक्कत है या बात में भी या बात में मुकदमा बने हम पे। फतेहाबाद में किसानों ने लोहड़ी की आग में जलाई कृषि कानून की प्रतियां। दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों की प्रतियां शाम को जलाई जाएंगी, लेकिन पंजाब में दिन से लोहड़ी के नाम पर विरोध का यह तरीका देखा गया। त्योहार हमारे किसानों का त्योहार होता है, बड़ी खुशी से मनाते हैं, लेकिन इस बार हमारे इतने साथी शहीद हो गए और सरकार ने खेती किसानी को बेचने की कोशिश करी, तो इस बार इस लोहड़ी को काली लोहड़ी के रूप में हम मनाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की दखल से भी अब जब मामला सुलझता नहीं दिख रहा, तो कांग्रेस किसानों के मसले पर और ज्यादा आक्रामक हो गई है। किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को कांग्रेस ने एक तरह से समर्थन दे दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है, 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। कांग्रेस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने का आरोप लगा रही है, तो उधर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि यह दर्द किसानों का नहीं बल्कि CAA और राम मंदिर जैसे मसलों का है। 60 से 65 के करीब किसान अपनी जान की आहुति दे चुके इस आंदोलन में। 73 साल में देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, पर मोदी सरकार अंधी और बहरी क्यों बनी बैठी है? किसान की पुकार को, उसकी पीड़ा को, उसकी तकलीफ को, उसके दुख को सुनती क्यों नहीं? मामला किसान बिल का नहीं है, मामला NRC का है, CAA का है, मामला 370 का है, 35A का है, अयोध्या मंदिर का है, ट्रिपल तलाक का मामला है। तभी तो मैंने कहा निशाना कहीं है, इरादे कुछ और हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नकार रहे हैं, ये लोग तो संविधान को भी नकार दिए, इन्होंने देश को ही नकार दिया। इस बीच किसानों के मसले पर गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाने के बाद सरकार जोर शोर से ये बताने में लगी है कि वो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी आज 5 साल पूरे हुए हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। किसान कानूनों का ये मसला ऐसा है जिस पर सरकार पीछे न हटते हुए भी कड़ा रुख दिखाना चाहती है। फिलहाल कानून सस्पेंड है, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा इस पर सभी की नजरें हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।